आज किस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्या ड्रीम इलेवन को कोई हैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग अपना काफी पैसे भी लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं भाई कि कोई ड्रीम इलेवन को हैक करके खेलता हो और हम यहाँ पे अपने दिमाग लगा के अपने पैसे लगा के खेलते हो। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो, तो भाई मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या कोई ड्रीम इलेवन को हैक कर सकता है कि नहीं। तो आप भाई काफी लोग ये मतलब कॉमेंट करते हैं कि भाई हाँ ड्रीम इलेवन को हैक कर सकते हैं, हमने ऑब्जर्व किया है, और भाई जो उनके सर्वर को एक्सेस करते हैं, जो उनके मालिक हैं, वही लोग अपना टीम बना के बाद में उसको एडिट कर देते हैं, जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं, और वही लोग बड़े बड़े जैसे लाखों करोड़ों का जो प्राइज होता है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज, वही लोग जीतते हैं। तो भाई ऐसा है क्या, क्या सच में ड्रीम इलेवन को हैक किया जा सकता है कि नहीं, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, आज की इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं, ताकि आप भी अपना ज्यादा पैसे उसमें वेस्ट ना करो, क्योंकि आपको जब इसके पीछे की रियलिटी पता लग जाएगी, आप अपना दिमाग लगाने लगोगे, तो भाई बिंदास ऐसे जो लोग काफी ज्यादा ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, वो लोग सोच समझ के थोड़ा करने लगेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, ठीक। तो भाई देखो, हम दोनों बात करेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है, ठीक भाई। उससे पहले मैं एक आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसमें काफी लोग ये कमेंट कर रहे थे, जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि ड्रीम इलेवन को कोई इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि जब डेडलाइन क्रॉस हो जाता है तो कोई हैक भी कर ले, ड्रीम इलेवन का एक्सेस भी पा ले, तो भाई जब डेडलाइन क्रॉस हो जाता है तो टीम एडिटिंग पूरे सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो कोई हैक भी करेगा तो ऐप को हैक करेगा, ऐप को एक्सेस कर पाएगा, उनके सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई इतना हैक नहीं कर सकता, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतनी आसानी से ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई मैंने यही कहा था कि भाई सर्वर से डिस्कनेक्ट होने के बाद अगर कोई ड्रीम इलेवन को हैक भी कर ले तो एडिटिंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एडिटिंग तो सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है सारे यूजर्स के लिए। तो मैंने यही कहा था, तो काफी लोग ये कहते हैं कि भाई पबजी या फ्री फायर इसमें भी तो ऑनलाइन गेम है और इसमें भी तो भाई कोई सब लोग हैकिंग कर लेते हैं, काफी लोग हैकिंग कर लेते हैं। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे पबजी फ्री फायर है, ये सब ऐप कभी भी सर्वर से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। आप पबजी को कभी भी, फ्री फायर को कभी भी खोल के इसमें आप गेम खेल सकते हो, सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो, कभी भी सर्वर से किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है। बट ड्रीम इलेवन में डेडलाइन क्रॉस होने के बाद कुछ मतलब एडिटिंग बस करना, इससे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है सर्वर से। तो यही बात होती है, काफी लोग ये कह रहे थे भाई तुम गलत बता रहे हो, ठीक। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और बात है कि भाई इसको हैक कर सकते हैं कि नहीं, तो भाई देखो हो भी सकता है नहीं भी। कैसे, अब जो लोग कह रहे थे भाई जो उसके सर्वर को एक्सेस करते हैं, जो उसके मालिक हैं, वही लोग अपना फेक टीम बनाते हैं, ऐसा करते हैं, तो भाई मुझे भी लगता है ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। कि देखो भाई लाखों रुपए किसको नहीं प्यार रहते हैं, यहाँ पे एक एक करोड़ फर्स्ट प्राइज रहता है, तो ड्रीम इलेवन के सर्वर जो एक्सेस करते हैं उनके मालिक ऐसा कर सकते हैं, और कोई जान भी नहीं पाएगा कि भाई ऐसा कौन कर रहा है, कोई रेंडम सा टीम बना दिए वो लोग, तो भाई सर्वर को ही एक्सेस कर रहे हैं, तो बाद में अपना टीम तो आराम से एडिट कर सकते हैं, जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसको ले लिए, तो ऐसा हो सकता है। बट भाई ड्रीम इलेवन एक काफ़ी जानी मानी कंपनी है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है, इसको एक काफ़ी पॉपुलर है, तो भाई ऐसा छिछोरा काम मुझे तो नहीं लगता कि ये करती होगी। अभी आपके ऊपर है, तो भाई इतनी बड़ी कंपनी है, तो अगर ये पाई जाती है ऐसा करते हुए, तो भाई इसके साथ क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, तो हमको तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से होता होगा। बट ये कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। और हैकिंग का बात हुआ, कोई इंडिविजुअल इसको हैक कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल है कि भाई कोई अगर स्किल्ड हैकर हो, अप लेवल का हैकर हो, क्योंकि हैकिंग का कोई यहाँ पे लेवल नहीं है कि इतनी लेवल तक ही हैकिंग होती है, हैकिंग कहीं भी हो सकती है, कितना बड़ा भी हैकिंग परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है, ये तो भाई हैकर के नॉलेज के ऊपर है। तो कोई ड्रीम इलेवन को भी हैक कर सकता है और उसके सर्वर को भी हैक कर सकता है, इतना भी पॉसिबल हो सकता है। तो हो सके तो भाई आप इसमें अपना ज्यादा पैसे ना लगाओ तो ही सही है। छोटा बहुत जो छोटे छोटे लीग्स होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, और छोटे छोटे जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसी को खेला करो तो ही सही रहेगा, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट को ना खेलो तो ही सही रहेगा। तो यही है इसके पीछे की, कोई क्लियर नहीं कह सकता है कि भाई होता ही है। अब हो भी सकता है, हम लोग क्या जानेंगे उसमें, अभी सामने से तो आके कोई कहेगा नहीं कि होता ही है, ठीक है। तो ये रहेगा इसके पीछे की बात भाई। तो अगर इसके बाद भी अगर आप लोग कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।